इतना भी होता है, पैसे वसूल हैं, पैसे वसूल हैं, पैसे वसूल हैं सर, है ना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ में पेशेंट हैं जिनका नाम है संदीप सौरभ। तो मैंने इनसे पहले सवाल पूछा कि संदीप आपका नाम है, उनका सौरभ भी मेरा नाम है। मुझे लगा कि शायद फादर का या ग्रैंडफादर का नाम लगाया हो। तो संदीप की प्रॉब्लम यह है कि संदीप के साथ में कुछ इंसिडेंट कॉलेज टाइम में या पुराने टाइम में हुआ था, जिसकी वजह से उसके बैक में, उसके बैलेंस में, उसके पोस्चर में दिक्कत होने लगी और अनबैलेंस क्रिएट होने लगा। अब मैं संदीप से खुद सुनूंगा। और एक अच्छी बात और हुई, संदीप हमारे पास फर्स्ट विजिट के लिए आया था, नई नई स्टोरीज बन रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर कर रहे हैं और जो लोग कॉन्सेंटली मिल रहे हैं वो भी मिल रहे हैं। संदीप से सुनेंगे क्या उसकी दिक्कत है। एक्चुअली मेरी कॉलेज टाइम में एक मतलब ऐसी इंजरी हो गई थी बैक में और मुझे बहुत पेन हो रहा था काफी टाइम से, एंड मतलब मेरे ख्याल से 7 महीने से मुझे काफी पेन हो रहे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था। और लास्ट 2 महीने से मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया तो पेन थोड़ा सा रिलीफ था, लेकिन फिर भी पेन तो था। विंटर के टाइम में कुछ ज्यादा ही, बट मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो करा सर को, एक्टिव प्लस को, और आज मेरा फर्स्ट विजिट था एंड आई एम रियली फीलिंग वेल। कि मुझे महसूस हो रहा है कि थोड़ा बहुत तो रिलीफ है मेरे बैक में, एंड आई थिंक सर ने मुझे रिकमेंड किया है आगे भी, सो होप कि आगे भी बेटर हो एंड ये पेन लगभग रिड्यूस ही हो जाए मेरे ख्याल से पूरा। एक्चुअली मैं इस क्लिनिक में या इस चेयर पे, इस बेड पे कुछ ऐसा है कि पेशेंट बैठते ही ना एक चीज बोलता है, आई एम फीलिंग बेटर। ट्रीटमेंट तो और भी सारी जगह होते हैं ना। So let's show you the adjustment of Saurav. Saurav has got some nice body, nice muscles, है ना? तो अब ये देखते हैं इसके joints कितने easy हैं, ease हैं, कितने tight हैं, कितने loose हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छे से। बैक का कर्वेचर भी ठीक है। अभी ये देखते हैं, इजी रिलैक्स। डेफिनेटली मसल्स होने की वजह से जॉइंट्स में स्ट्रेस तो है ही, टाइटनेस है, इजी विदाउट और रिलैक्स। हाथ उंगलियां रिलैक्स करो, टर्न करेंगे मेरी तरफ, करवट ले लो, राइट या लेफ्ट, मेरी तरफ। ये भी परेशान बन रहा है, राइट या लेफ्ट, आपका राइट या मेरा राइट है। इजी रिलैक्स, शोल्डर पीछे, ब्रीद आउट। लोअर बैक में कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेट लेटेंगे। ये फर्स्ट टाइम में इतनी सारी चीजें हो रही, तो आप सोचो कि दूसरी और तीसरी बार में कितना होगा। रिलैक्स, स्ट्रेट रिलैक्स, इजी इजी रिलैक्स, इजी इजी। ढीला छोड़ो, टाइट मत करो, टाइट मत करो। ओके रिलैक्स, छोड़ो छोड़ो, और कुछ बचा है बजाने को? बचा बहुत कुछ है, बाद में बजाएंगे। अब अपना एक्सपीरियंस बताओ कि एडजस्टमेंट से पहले और बाद में कैसा फील हो रहा है। मजा आ गया। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कभी मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना भी होता है। पैसे वसूल हैं? पैसे वसूल हैं? पैसे वसूल हैं सर, है ना? नहीं यार, मतलब इतने होते हैं क्या? मैंने अपने भाई को बोला है कभी कभार, मतलब ऐसे पीट वगैरह कुछ कर दे, लेकिन इतना तो कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था इतना आवाज भी होता है बैक में। इससे भी ज्यादा होता है आने वाले टाइम में। या आई एम रियली फीलिंग गुड, थैंक यू सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आप सब आते हो और अपनी तकलीफें लेके आते हो और हंसते हुए जाते हो, इससे ज्यादा क्या मुझे चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज लाइक आइकन बटन को हिट करना मत भूलें और बेल को भी हिट करें, ताकि नई से नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे।
मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, पेशेंट से बड़ा रिक्वेस्ट कई बार करना पड़ता है, प्लीज वीडियो बनाइए, तो आप थम्स अप करना जरूर करें। थैंक्स।